हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः आप सबका केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग लेखपाल भर्ती की जो 2020 की परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के निर्देशन में आप सबके लिए केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे चार के चारों सब्जेक्ट के पार्ट प्रतिदिन आपकी वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मान लीजिए लेट हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, है ना? क्योंकि आपको देखोगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आप लोगों से मेरा एक, जो भी आप समझिए, एक गुरु के नाते या एक बड़े भाई, जो भी आप समझिए, चारों वीडियो को आप लोग बराबर से देखा करिए और पूरा देखा करिए। यदि आप सबके लिए मेरे दोस्तों इस लॉकडाउन में केपी क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है, तो आप भी थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए, ठीक है? आपका सहयोग इस लॉकडाउन में सराहनीय रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को वाकई में कहीं पे पेड बैच खरीद रहे हैं। तो उनको बताइए कि केपी क्लासेस की पूरी टीम आपको लेखपाल भर्ती 2020 की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और एक बात और, यदि आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुझे सही फीडबैक नहीं दोगे तो हम जान कैसे पाएंगे? तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, नहीं तो फिर और कुछ आपके लिए विचार किया जाएगा, ठीक है? तो यही उम्मीद के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बता दें, नंबर सिस्टम पे हम लोग चल रहे हैं अभी, और नंबर सिस्टम का पार्ट प्यारे दोस्तों आपका समाप्त होने वाला है। तो एक पार्ट नंबर सिस्टम में आपसे पूछा जाता है, श्रृंखला जिसे आप लोग कहते हो, ये तीन चार प्रकार की होती है मुख्यतः, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, हम इस पे आपसे बात करेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आएंगी और केपी क्लासेस की पूरी टीम आपको एकदम आपके ऊपर खड़े उतरेगी, ठीक है? तो आप निरंतर इस बात का ध्यान देंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन में बहुत ढेर सारे बच्चे ऑफलाइन में हमसे बहुत डिमांड करते थे, जबकि ये अलजेब्रा का पार्ट है। मैं आपको जल्दी ही एडवांस का पार्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि लेखपाल में, उत्तर प्रदेश लेखपाल में एडवांस का भी पार्ट आता है, तो हम उसको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस लॉकडाउन में थोड़ा सा सहयोग करिए। आइए प्रोग्रेशन हेडिंग बनाइए, एक अपना नोट बनाते जाइएगा कॉपी, उस पर लिख दीजिएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 मैथमेटिक्स, ठीक है? हेडिंग आप बनाएंगे प्यारे दोस्तों प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला। ये होती क्या है समझ लेंगे। संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। प्यारे दोस्तों, श्रृंखला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से श्रृंखला तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रृंखला। दूसरी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रृंखला। और तीसरी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रृंखला, ठीक है? जिसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका अर्थमेटिक होता है, उसके बाद आपका होता है ज्योमेट्रिक। हरात्मक श्रृंखला से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम तब भी इसको पढ़ लेंगे। तो आप सब आराम से पहली हेडिंग बना लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहली हेडिंग बनाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रृंखला क्या होता है, एक एक डिफिनेशन हम आपका क्लियर करते चलेंगे। बिल्कुल आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला नोट करके लिखिएगा, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है, सदैव समान होता है, सदैव समान होता है, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अर्थात समांतर श्रेणी का अगर दूसरे शब्दों की बात करेंगे तो, अर्थात समांतर श्रेणी का अर्थात समांतर श्रेणी का अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको कहा जा रहा है संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी का अगला पद पिछले पद में से एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जो पीछे का पद होगा अगले पद के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक निश्चित संख्या आपका जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान देंगे, एग्जाम्पल 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस तरह से डैश डैश। ध्यान दीजिएगा, इस पद को जोड़ने के लिए अगले पद में पिछले पद का अंतर सेम जोड़ा जा रहा है, वही श्रृंखला मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी आपकी कहलाती है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 सब नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि ये समांतर श्रेणी की आपका एग्जाम्पल है।
ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। एक एक डिफिनेशन में प्यारे दोस्तों आपके बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं, यदि आप लोगों को चीजें अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स से जरूर किया करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिटाएं इसको, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है सर। अब आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी पर आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उस क्वेश्चन को भी आपको चर्चा करके बताएंगे। उसके बाद आपको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताएंगे, तो आप चीजों को बारी बारी से सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हेडिंग बना लेंगे समांतर श्रेणी का, यदि आपसे यनवा पद पूछा जाता है, समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपसे एनवा पद पूछा जाता है तो कैसे आप निकालोगे, ठीक है। हेडिंग बनाइए समांतर श्रेणी का एनवा पद आपसे प्यारे दोस्तों पूछा जाता है तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है टी एन बराबर ध्यान दीजिएगा, एनवा पद आपसे पूछा जा रहा है, यनवा पद के लिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा डी, टी एन बराबर ए प्लस टी एन बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां नोट करके लिख लीजिएगा, जहां टी एन बराबर यनवा पद, टी एन बराबर एनवा पद, यन पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या, नोट करते जाइएगा बिल्कुल, यन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर आपका पदों की संख्या, ए बराबर प्यारे दोस्तों आपका होता है प्रथम पद और प्यारे दोस्तों आपका डी बराबर जो हो जाएगा डी आपका होता है सार्वांतर, ठीक है, डी जो होता है सार्वांतर, कोई पद माइनस पिछला पद, सार्वांतर, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कोई पद माइनस पिछला पद, दूसरे शब्दों में बच्चों ध्यान देंगे, कोई पद माइनस पिछला पद, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समांतर श्रेणी का एनवा पद के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप फार्मूला लगाओगे, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां टी एन बराबर एनवा पद, एन बराबर पदों की संख्या, ए बराबर प्रथम पद, डी जो होता है सार्वांतर। दूसरे शब्दों में मैं कहूं प्यारे दोस्तों तो कोई पद, श्रृंखला का कोई भी पद ले लोगे और माइनस पिछला पद, ठीक है, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब आप ध्यान देंगे इसका हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, समांतर श्रेणी का हम आपको पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 7, 11, 15, 19 डैश 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 का, डैश 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 का दसवां पद क्या होगा, का दसवां डैश डैश का दसवां पद, डैश डैश का दसवां पद क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा डैश 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 दसवां पद में आप देखेंगे दसवां पद क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7, 11, 15, 19 का दसवां पद क्या होगा, तो आप देख सकते हो
यहां पर ध्यान दीजिए, हम आपको फार्मूला बता रखे हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nवां पद निकालने के लिए आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, Tn बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a जहां प्रथम पद, तो a बराबर क्या है, प्रथम पद 7 है और आपका d इनका अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इनका अंतर कितना देख सकते हो, सर्वांतर 4 है और n पदों की संख्या कितना पूछ रहा है, 10। तुरंत आप मान रख दीजिए Tn, T10 बराबर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 आपका कितना है, n माइनस 1 आप सभी दोस्तों ध्यान देंगे, n की वैल्यू 10 और माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 4। अब देखिएगा 7 प्लस a 9 गुणे 4, तो आप ध्यान दीजिए 7 प्लस 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा, Tn आपका प्यारे दोस्तों सीधे सीधे कह सकते हो 43 इज राइट आंसर, 43 आपका राइट आंसर होना चाहिए, Tn नहीं होगा T10 आप ध्यान दीजिए 43। तो अगर इसका हम 10वां पद की बात करेंगे तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 43। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आराम से चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पार्ट आपका रीजनिंग में भी काम देता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी श्रेणी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी 35 माइनस 28 35 कामा 28 कामा 21 कामा डैश 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 का 20वां पद क्या होगा, का 20वां पद क्या होगा, का 20वां पद क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, श्रेणी 35 28 21 का 20वां पद क्या होगा। आपके सामने बिल्कुल फार्मूला लिखा हुआ है, Tn बराबर a n माइनस 1 इंटू d। यहां पर ध्यान दीजिएगा, a आपका क्या हो जाएगा, a प्रथम पद 35 और आपका d कितना हो जाएगा, इनके बीच का अंतर आप देख लीजिए तो 7 और n की वैल्यू कितना हो जाएगी 20, 20वां पद पूछ रहा है। तो यहां से T20 बराबर, बहुत अच्छे से, a कितना है 35 प्लस n की वैल्यू प्यारे दोस्तों 20 और माइनस 1 और इनटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए यहां पर आपका 35 और प्लस, अब यहां ध्यान दीजिए 20 में से एक आपका माइनस हो जाएगा, कितना 19 बचेगा, 19 में आप ध्यान दीजिए चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आपका 35 हो गया, 20 में से आपका एक जाएगा, तो देखिए 19 सत्ते 133, लेकिन आपके पीछे से पार्ट को पूछा गया है 20वां पद, 133 आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहां पर ध्यान देंगे माइनस 133 तो माइनस 133, तो यहां पर ध्यान दीजिए 13 में से 5 चला जाएगा बच्चों, यहां पर घटाएंगे इसको तो माइनस 98 आपके प्रश्न का आंसर होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक क्रम आपका बिल्कुल उल्टा पूछा था इसलिए आपका माइनस में आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लियर है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, माइनस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपसे किसी पर दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें दूसरा टाइप क्या पूछा जाता है, दूसरा टाइप है आपका, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, चीजें नहीं आती है समझ तो कमेंट जरूर करिएगा। यहां से आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, हेडिंग बना लेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का
योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब आप ध्यान देंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए फार्मूला आपका होता है Sn बराबर n by 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है, d हो जाता है, ठीक है, या इसको एक और कहा जाता है अथवा करके लिख लीजिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, Sn बराबर, एक दूसरा ट्रिक होता है Sn बराबर n by 2 n by 2 a प्लस l होता है, जहां l बराबर अंतिम पद होता है या अंतिम संख्या, यहां लिख लीजिएगा जहां l बराबर अंतिम संख्या, जहां l बराबर अंतिम संख्या, ठीक है, जहां l बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा Sn बराबर आपका फार्मूला है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, Sn बराबर है n by 2 2a plus n minus 1 into d, अगर ये आप भूल जाते हो तो इसको भी कर लीजिएगा Sn बराबर n by 2 a plus l, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। चले अगला ध्यान देते हैं, आप इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका श्रेणी है, इसमें मैं क्या पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ये श्रेणी है, ठीक है, आपकी ये श्रेणी है 17, 14, 18, 8, 10, 10, 20 पदों का योगफल क्या होगा, 20 पदों का, 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल क्या होगा, 20 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा 20 पदों का योगफल क्या होगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए यहां से पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, तुरंत आपका Sn बराबर, आपको फार्मूला पदों का योगफल बराबर क्या बताया गया है, n by 2 ब्रैकेट में 2a n माइनस 1 इंटू क्या, d, ब्रैकेट में 2a n माइनस 1 इंटू d आपका हो जाएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट बताया गया है प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हो सीधे सीधे a बराबर आपका कितना होगा 17 हो जाएगा, d बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, n बराबर 20। तो अब यहां ध्यान दीजिए 20 by 2, फिर 2 into a की वैल्यू 17, n की वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 और into d आपका कितना है 3 है, ठीक है, d आपका कितना है 3 है। तो अब आप देख सकते हो, बिल्कुल आप आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, आप ध्यान देंगे यहां पे आपका कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो गया और 17 दुना कितना हो जाएगा 34, और 34 में यदि हम 10 यहां पर ध्यान दीजिए 10 और 17 दुना आपका कितना हो गया 34। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम 20 माइनस 1 करते हैं तो 19 आएगा, लेकिन आपका देखिए श्रेणी किस क्रम में है, उल्टे क्रम में है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बिल्कुल आप ध्यान देंगे 2a plus 1 होता है, यहां पर बिल्कुल आप ध्यान देंगे 19 और 19 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 * 57 होगा और a plus रहेगा, अब माइनस के क्रम में आपकी सीरीज बनेगी तो कितना हो जाएगा -57, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस आपका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, इसको आप घटा दीजिए
आप घटाएंगे तो शायद 23 बचेगा, 23 आएगा। अब 23 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू और माइनस 23 आया है तो -200 कितना हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट के मन में बार बार ख्याल आता होगा कि सर ये -57 कैसे आ रहा है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, जो आपकी ये श्रेणी है उल्टे क्रम में है। आप देखिए तो आपके पीछे से बढ़ते, आपके देखिए आगे से पीछे बढ़ रही है, पीछे से आगे नहीं जा रही है, पीछे से आगे है। ठीक है, आगे से आपको बताते हैं लोग, हम आपको पीछे से बता रहे हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम आपको पीछे का जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे आप चीजों को क्लियर कर लीजिए और समझ लीजिए। चीजें होती क्या, आपसे पूछ रहा है 7, 11, 13। अब यहाँ के देखिए तो आगे के पद के पूछे जा रहे हैं और पीछे वाले क्वेश्चन में पीछे के पद आपसे पूछे गए थे। इन पदों का आपके 10 पदों तक का योगफल बताना है। SEN बराबर आपका फार्मूला क्या बताया हूं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। अब आपका देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर सच दिखाई दे रहा है, a बराबर आपका 7 होगा, d बराबर आपका 4 हो जाएगा और उसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे n y तो 10 y कितना 2, क्लियर है। अब देखिए 2a है तो 2 into a कितना है 7 और प्लस n माइनस 1 कितना है, n की वैल्यू 10 और माइनस 1 कितना है आप माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है आप देख सकते हो तो 4, क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 7 × 2 = 14 और प्लस 10 में से आपका एक 9, 9 = 36। अब यहाँ पे 36 प्लस में लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपके आगे के प्रोग्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, यही होता है समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को समझने का तरीका। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो पूरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप देखिए हमने पीछे के क्वेश्चन में 17 लिया था, 11 लिया था, तो वो आपका डिसेंडिंग में था, ये असेंडिंग में है, है ना। अब देखिए 7, 11, 13 के बाद इस तरह क्रम बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव में जाएंगे तो यहाँ प्लस लेंगे, तब यहाँ पे आपका माइनस नहीं हो सकता है। इस चीज को आप बेसिक से ध्यान दीजिएगा, नहीं आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 36, 14, 50 और 50 × 5 = 250, इन पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 250 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम S10 की बात करेंगे तो 250। चीजों को क्लियर से समझ लीजिएगा, समांतर श्रेणी का पूरा पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कल के वीडियो में हम पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी क्या होती है। मेरा आप लोगों से एक सुझाव बार बार रहता है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही, उम्मीद करते हैं कि क्लास पूरी समझ में आई होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।